हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं यहाँ लिबर्टी स्क्वायर आया हुआ हूँ और यहाँ पे यहाँ का नेशनल म्यूज़ियम है, जॉर्जियन नेशनल म्यूज़ियम। तो आज उसके वहाँ पे चल के वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो चलो आपको बताते हैं कि कैसा क्या सीन है। तो मेरे पास कुछ डॉलर पड़े हुए थे, तो मैं उनको एक्सचेंज करवाने जा रहा हूँ अब। तो अभी प्रेजेंट में लारी की रेट चल रही है 270, मतलब हमको 100 डॉलर पे 270 लारी मिलेगी। चलो करवाते हैं। गामर जुबा 15 डॉलर। हाउ मच लारी? 37। यस। तो मैं 15 डॉलर एक्सचेंज करवा रहा हूँ। तो 15 डॉलर पे मुझे 40 लारी के आसपास मिल रही है। ये देखो भाई यहाँ की करेंसी माज लो बा। तो चलो चलते हैं नेशनल म्यूजियम के लिए। जगह जगह छोटी छोटी शॉप्स है, ये छोटे छोटे आइटमों के लिए है। आप ले लो कुछ, या आइसक्रीम के लिए या यहाँ का नेचुरल जूस। ये एक 5 बार का दिया है। ये यहाँ जॉर्जिया की पार्लियामेंट है। तो ये यहाँ का जॉर्जियन नेशनल म्यूज़ियम है। यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ से आपको टिकट परचेज़ करना है और जो टिकट की प्राइस है वो यहाँ पे लिखी हुई है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए 50 तेतरी यानी इंडियन करेंसी में 15 रुपये के आसपास का टिकट प्राइस है। यहाँ पे काउंटर है। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कोइन से। तो ये जितनी भी सारी आपको कोइनें दिख रही है यहाँ के किंग्स डेविड की है। और ये जो शॉप है यहाँ से तुम कुछ भी खरीद सकते हो। The next one is the biodiversity, the variety of life on earth। तो यहाँ पे पहले पत्थर है जो CaCO3 से बना हुआ है और यहाँ पे बाकी जो फोटोग्राफ्स लगाई हुई पुराने म्यूज़ियम की है। और ये यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी को दिखाती है वो है यहाँ के एनिमल्स है जिनको इन्होंने लगाया हुआ है। और सबसे मेन बात, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ है, इस पे आप कोई से भी एनिमल्स पे क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया है कॉकेशियन विसेंट पे, और यहाँ के इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है। तो यहाँ पे जितने भी जानवर रखे हुए हैं वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, उनके बारे में अगर कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वहाँ पे क्लिक करके आप उसके बारे में जान सकते हो आराम से। ये सारी इंसेक्ट्स की प्रजाति है टोटल। सांप है जिनको एक सॉल्यूशन में डाला हुआ है, सारे सांपों की प्रजाति है। ये सारी की सारी मछलियों की प्रजाति है, जो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो प्रजाति है ये या तो लुप्त हो चुकी है या लुप्त होने के कगार पे है। तो आने वाली जनरेशन को दिखाने के लिए इन्होंने म्यूजियम बनाया है। हर जगह यही होता है, म्यूजियम का मतलब यही होता है कि आने वाली जनरेशन को पता हो कि अपन से पहले क्या था। और बाकी जो है आपको दिख रहा है ये बड़ी फिशेस है, और उसका कंकाल है, ये एक व्हेल का कंकाल है। और यहाँ पे सारी चीज़ों को एक सॉल्यूशन में डाला हुआ है, जिसकी वजह से ये काफ़ी लंबे आने वाले टाइम तक वैसे के वैसे ही रहे। ये कोई फिश है एंगलर, जिसको इन्होंने सॉल्यूशन में डाला हुआ है। और बाकी आपको जैसा दिख पा रहा है ये सारी 19वीं सेंचुरी की पेंटिंग्स है, तो इन्होंने यहाँ पे म्यूजियम में लगाई हुई है बाकी सब जान सके इनके बारे में। म्यूज़ियम के बारे में जानने के लिए तुम्हारा यहाँ पे पर्सनल गाइड भी ले सकते हो, उसका एक अलग से चार्ज देना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख रहे हो सामने ये बता रहे हैं, तो ये एक गाइड है जो यहाँ के बारे में सब कुछ बता रहे हैं, इनका एक अलग से चार्ज होता है। ये सारी गोल्ड की ज्वेलरी है, और यहाँ पे जो पुराने राजा महाराजा थे, यहाँ की जो रानियाँ थी, ये सारी उनकी ज्वेलरीज है। इन्होंने इनको काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई हुई है। जैसा कि तुम्हें दिख रहा है कितना अच्छे से इन्होंने इन सबको मेंटेन करके रखा हुआ है। यह है हिस्ट्री ऑफ कॉइन, यहाँ पे जितनी भी कॉइन है इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है वो सारी इन्होंने हिस्ट्री के साथ में मेंशन की हुई है। जहाँ से भी तिबलिसी के आसपास, जहाँ से भी जॉर्जिया में कॉइनें मिली हुई थी, वो सारी इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। जो भाई हिस्ट्री का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं वो जान चुके होंगे कि इसके अंदर क्या है। ये इंजन है जो 1924 में बनाया गया था, और ये जो आपको सब दिख रहे हैं ये पहले के जो वॉरियर्स थे उनकी ड्रेसें है, उनकी फ़ोटोग्राफ्स है, उनके कपड़े है, उनके जो भी वेपन्स जो यूज करते थे वो है, और यहाँ पे जितनी भी चीजें इन्होंने प्रदर्शित की हुई है वो जो पहले के टाइम पे जो कागज की कार्रवाई होती थी वो इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे प्रदर्शित की हुई है। सबको एक फ्रेम में इन्होंने सजाया हुआ है जैसा कि आपको इनमें दिख रहा है। हेलो गाइस, तो कैसा लगा आपको ब्लॉग आज का म्यूजियम का? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। राम राम, मिलते हैं नए ब्लॉग में।